अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैंने आपको बताया था कि मैंने वो सामने किचन बनाना है। किचन का काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था बारिश की वजह से, लेकिन भाई को बोला हुआ था किचन के लिए कि बनाना है, वो भाई ने काफ़ी चक्कर लगाए। मैंने कहा चलो आज शुरू करवा ही देते हैं। मौसम तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन भाई ने इतने ज़्यादा चक्कर लगाए तो मैंने कहा शुरू करवा देते। मैंने आपको बताया था कि किचन मैंने खुद ही शुरू करना है, लेकिन कोको की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कोको की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने भाई को लगा दिया, क्योंकि वो तो काम करने नहीं देती कोई भी, इस तरह ही रोती है पूरी रात। इसको लेके मैं बैठी रही हूँ, वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है जब इसको बुखार तेज़ हो। इधर देखो मेरा पाला अच्छा बेटा, और मैंने भाई को चाय बना के देनी है तो वो इतना रो रही है। हाँ जी भाई को मैं चाय बना दूँ, आप थोड़ी देर के लिए लेटो। इधर देखो खांसी भी इतनी ज़्यादा कर रही है, पहले मैं इसको पकड़ती हूँ तो फिर मैं भाई को चाय बना के देती हूँ। मेरा शहजादा। बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले हैं, पहले मैं चाय वाले बर्तन धो लेती हूँ, भाई को बना देती हूँ चाय, और बाकी बर्तन मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि कुकू को बुखार काफ़ी ज़्यादा, वो काम करने नहीं दे रही, बस डैडी उठा के रखे। चाय मैंने बना ली है, अब कप में डाल के अर्श दिया था भाई को। चाय मैंने बना के दे दी है मिस्त्री भाई को, तो अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन मैंने धो लिए, अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। मैं आज बनाने लगी हूँ माश की दाल। इसको मैं कर लेती हूँ साफ। दाल को साफ करके मैंने धो दिए, अब मैंने अदरक और लहसुन छील लिए, अब उनको मैं पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिए, तो सारे मसाले मैं प्लेट में डाल के अंदर ले आई हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया था गैस कम आती है, तो मैंने चूल्हा अंदर रखा हुआ है, साथ में कमरा भी गर्म हो जाता है। कोको भी छोटी है, फिर बार बार वो अगर मैं बाहर जाती हूँ तो पीछे से गिर जाती है। मैं खाना ज़्यादा कुकिंग रूम में करती हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल के प्याज रख दिया, प्याज लाइट ब्राउन होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और साथ ही मैंने जो आपको पता है जो मसाले होते हैं टमाटर, हरी मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी वगैरह सारे मसाले मैं साथ ही लिए। और दाल को भी मैंने आपको पहले बताया था, मैंने धो के रख लिया। देखती हूँ दाल कहाँ तक पहुँची है, दाल में अभी थोड़ा सा पानी है। आपसे मैं बात एक शेयर करती हूँ, मैंने चैनल बनाया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि चैनल कैसे बनता है, वीडियोस कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। अरफान भाई हैं मेरे भाई हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह करते हैं, जिस तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अरफान भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बहुत ही अच्छे ब्लॉगिंग है अरफान भाई, उनके चैनल का नाम भी इरफान भाई ब्लॉग है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इरफान भाई को सपोर्ट करें, इरफान भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, आमीन। माश की दाल मेरी रेडी हो चुकी है, तो धनिया मैंने डाल दी है,
और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया। अब मैं बना लेती हूँ रोटी। अरफान भाई के वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, बता दो कह दो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको ज्यादा सपोर्ट करें, उनके चैनल का विजिट करें और नहीं आ रहा चलो ठीक है, अरफान भाई को पता लग गया होगा कि अर्ष ने कह दिया है ना। मैं बनाने लगी थी रोटी, लेकिन कोको की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग आ रही है और साथ में इसको बुखार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। मैं इसको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, इसको दवाई ला दे। मैं और अर्ष आ गए हैं दवाई लेके कोको की। मैं और अर्ष आ गए हैं कोको की दवाई लेके और मैं अब बनाने लगी रोटी। रोटी मैंने बना ली है और मैं अर्ष को देती हूँ। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा खाना बनाती है, मेरी पसंदीदा की दाल है। हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की रेसिपी पसंद है, दुआ में याद है। अल्लाह हाफिज़।